तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 12 तक। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसगा की चोटी पर चढ़ा। ये यरीखो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलियाद को, सारे नफ्ताली इफ्राइम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यर्दन की घाटी तथा सोअर तक, खजूरों के नगर यरीखो के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पोअर के सामने मोआब की खाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आँखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और ना ही उसकी तेजस्वता घटी थी। इसराइलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र यहोशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इसराइली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इसराइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिराउन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इसराइलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहें, उसके महिमा में नाम का गीत गाएं और उसकी महिमा का स्तुति गान करें। वह ईश्वर से ये कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। हे प्रभु भक्तों, आओ
और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य: धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य: अलेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। अनुवाक्य: अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मती के अनुसार अध्याय 18 पद संख्या 15-20। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों के साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी या नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।